पाकिस्तानी समंदर में तेल और गैस के दुनिया के चौथे बड़े जखायर का इंकशाफ। दोस्त मुल्क के साथ मिलकर जियोग्राफिक सर्वे मुकम्मल। जखायर काबिल इस्तेमाल बनाने में 4.5 साल तक का अरसा लग सकता है। दरियाफ्त मुकम्मल होने से मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। तेल और LNG की दरामद पर इन्हिसार खत्म और अरबों डॉलर के कर्जों से निजात मिल जाएगी। साबिक मेंबर ओगरा मोहम्मद आरिफ की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। गवादर की बंदरगाह से ट्रांस शिपमेंट शुरू करने का मंसूबा। दुनिया के भारी तरीन जहाज लंगर अंदाज करके सामान छोटे जहाजों से इलाकाई बंदरगाह रवाना किया जाएगा। वस्त एशियाई रियासतों तक सामान की तरसील में खराब सड़कें रुकावट। सूबे में सिक्योरिटी सूरतहाल बेहतर बनाने के लिए फोर्सेस को खसूसी इख्तियार दिए जाएंगे। जिला मोहम्मद में फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को मुंह की खाना पड़ी। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई में खुदकुश बमबार समेत चारों खवारजी हलाक। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जवानों को शाबाश। पशीन में CTD का ऑपरेशन। अफगान बाशिंदे समेत 5 खवारजी दहशतगर्द मारे गए। पंजाब भर में CTD के ताबड़तोड़ एक्शन। 35 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। लकी मरवत में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस अहलकार शहीद। नमाज जनाजा पुलिस लाइंस में अदा कर दी गई। मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। गाली और गोली मसाइल का हल नहीं। रियासत को कमजोर करने वालों की कोई तहरीक कौम को कबूल नहीं। वजीर आजम का GHQ में यौम दिफा की तकरीब से खिताब में दहशतगर्दी का सर कुचलने तक चैन से ना बैठने का ऐलान। आजादी इजहार का हक आईनी हदूद से मशरूत करार दे दिया। सिपाह सालार का कौम को सियासी इख्तलाफात नफरतों में ना बदलने का पैगाम। फौज और आवाम के दरमियान खलीज पैदा करने वालों को शिकस्त होगी। आवाम से दिल का रिश्ता दुश्मनों की शिकस्त का बायस बनेगा। आर्मी चीफ ने भी मुल्क दुश्मनों दहशतगर्द और फितनतुल खवारिज की सरकूबी नागुजीर करार दे दी। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में पावर शो की तैयारियां। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मदाखलत के बाद जलसे की जगह तब्दील कर दी गई। इंतजामिया का मखसूस रास्तों के अलावा कहीं से जलसे में दाखिल की इजाजत न देने का ऐलान। कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। जलसा रुकवाने के लिए जाली हुकूमत ने ओछे हथकंडे शुरू कर दिए। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इल्जाम। बानी PTI की वकला को अडियाला जेल दाखिले से रोकने के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। 3 वकला पर मुश्तमिल लोकल कमीशन कायम। कमीशन के अरकान अदालती तारीख पर वकला के साथ अडियाला जेल जाएंगे। वकला की गाड़ियों को जेल के बैरूनी दरवाजे पर नहीं रोका जाएगा। अदालत का हुक्म। पाकिस्तान पर एक सियासी जमात हमला आवर। रियासती इदारे और सिक्योरिटी तंसीबात निशाने पर हैं। जलाओ घिराओ नहीं, होश की सियासत जरूरी है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का बरतानिया में यौम दिफा की तकरीब से खिताब। PTI पर मनफी सियासत का इल्जाम। चौधरी शुजात सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए मुतहरिक हो गए। सियासी रहनुमाओं और हुकूमती शख्सियात से मुलाकातों में कौमी मफादात को तरजीह देने का पैगाम। मसाइल से निकलने के लिए कौमी एजेंडा तरतीब देने का मशवरा। जब एक वार में दुश्मन के 5 तैयारों का काम तमाम हुआ। पाक फजाइया के शाहीनों की दुश्मन के खिलाफ फतह का यादगार दिन। कराची में पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास शहीद निशान हैदर की कब्र पर खसूसी तकरीब। वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर आला पंजाब समेत रहनुमाओं ने शाहीनों को कौम का फख्र करार दे दिया। पाक फजाइया का खसूसी नगमा जारी। लाहौर में जारी गैंग वॉर में ड्रामाई मोड़। तैफी बट के बहनोई जावेद बट कत्ल केस का मरकजी मुलजिम अमीर फतह पुलिस के सामने सरेंडर को तैयार। जावेद बट के कत्ल का इल्जाम झूठा करार दे दिया। अमीर बालाज केस की पैरवी से रोका जा रहा है। वीडियो पैगाम में तैफी बट पर कत्ल और गारत की साजिश का इल्जाम धर दिया। इस्लामाबाद के थाना मरगला की हदूद में फायरिंग करके 2 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। मुलजिमान फरार होने में कामयाब। पुलिस ने वाकई की तहकीकात शुरू कर दी।
जहलम की तहसील दीना में गुज़िश्ता रोज लापता 3 कम उम्र दोस्तों की लाशें तालाब से मिल गईं। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल, वाकये की तफ्तीश जारी। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली एयरलाइन के तैयारे से टेक ऑफ से एन कबल परिंदा टकरा गया। कप्तान के इमरजेंसी ब्रेक लगाने से मुसाफिरों को शदीद झटके, तैयारा हादसे से बच गया। पिशावर लेडी रेडिंग अस्पताल माली बहरान का शिकार, सेहत कार्ड पर भी मरीज इलाज और अद्वियात से महरूम हो गए। सेहत कार्ड पूरे सूबे में मुकम्मल बहाल है। खैबर पख्तूनख्वा के शहरी कहीं भी मुफ्त इलाज की सहूलत हासिल कर सकते हैं, मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम का दावा। आलमी मंडियों में तेल की कीमतें 1.5 साल की कम तरीन सतह पर जा पहुंची। हुकूमत ने लेवी न बढ़ाई तो पाकिस्तान में भी मुसलसल चौथी बार पेट्रोल डीजल के निर्ख कम होंगे। पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान। वफाकी हुकूमत ने किफायत शुआरी पॉलिसी के तहत गुज़िश्ता 3 साल से खाली आसामियां खत्म कर दी। नई आसामियों की तख्लीक पर पाबंदी, गाड़ियों और मशीनरीज की खरीदारी पर भी पाबंदी आयद। हुकूमती खर्चे पर गैर जरूरी बैरूनी दौरों पर भी पाबंदी। वजारत खजाना का वफाकी हुकूमत के अखराजात कम करने का नोटिफिकेशन जारी। पिशावर की इंतजामिया ने दूध की कीमतों में यकमुश्त 60 रुपए फी लीटर इजाफे की मंजूरी दे दी। भैंस के दूध का निर्ख 240 और गाय के दूध का निर्ख 200 रुपए फी लीटर मुकर्रर, शहरी इंतजामिया पर फट पड़े। इसराइली फौज ने सहूनी नस्ल परस्ती के खिलाफ आवाज उठाने वाली तुर्किया निजात अमरीकी खातून रजाकार को कत्ल कर दिया। काबिज फौज की गाजा और मगरबी किनारे में सफा काना कार्रवाइयां जारी, मजीद 8 फलस्तीनी शहीद हो गए। सहूनी फौज ने एक खानदान के 7 अफराद को स्नाइपर के जरिए मौत की नींद सुला दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स सबूत सामने ले आया। कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी के केस में डोनाल्ड ट्रंप को आरजी रिलीफ, न्यूयॉर्क के जज ने केस का फैसला सदारती इंतखाब के बाद तक मुलतवी कर दिया। कनाडा में 20 साल पाकिस्तानी को दाइश की मदद करने की कोशिश के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद शाहजेब को न्यूयॉर्क में दायर शिकायत की बुनियाद पर हिरासत में लिया गया। चीन में इंतहाई ताकतवर समुद्री तूफान यागी ने तबाही मचा दी। सूबे हैनान 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं गाड़ियां उड़ाकर रख दी। शदीद बारिशों का सिलसिला भी जारी। पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल का लायहा अमल तय करने के लिए पीसीबी का आला सतह का इजलास 22 सितंबर को तलब। हेड कोचेस सीनियर क्रिकेटर्स भी शरीक होंगे। वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद पेश की गई गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट की सिफारिशात की रोशनी में फैसले मुतवक्के। पेरिस में जारी पैरा ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले हैदर अली को मेडल पहुंचा दिया गया। तकरीब में सफीर पाकिस्तान की भी शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हैदर अली को मुबारकबाद, कामयाबी कौम के लिए मशाल राह करार दे दी। यूएफा नेशंस लीग फुटबॉल के दिलचस्प मुकाबले जारी। इटली ने फ्रांस को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। और भाई की रहाई के लिए साबिक मैरिन ऑफिसर पुलिस से लड़ गई। एक्शन फिल्म रेबल रेज रिलीज कर दी गई।